सेंटेंस लिख दूं, मैंने अपना काम खत्म नहीं किया है, तो इस बात से हमें क्या पता चला? नहीं वर्ड आ गया। तो ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस की। रूल समझते हैं इसका? इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंसेस का रूल। जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो यहां पे हैव के बाद नॉट लग जाएगा, तो हमारा रूल क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसी रूल से आज हम ये सेंटेंस बनाएंगे। ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सेंटेंस बनाते हैं, मैंने अपना काम खत्म नहीं किया है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैंने, तो आई। आई के साथ क्या आएगा? हैव। इसके बाद नॉट, आई हैव नॉट। क्या नहीं किया है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब क्या है? काम खत्म करना, यही है कि काम खत्म नहीं किया है। वर्ब क्या है? काम खत्म करना, तो खत्म करना काम हुआ। खत्म करना की इंग्लिश फिनिश। या कंप्लीट, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। तो आई हैव नॉट फिनिश्ड। क्या नहीं किया? अपना काम खत्म। खत्म तो हो गया, यहां पे खत्म की इंग्लिश हो गई। आई हैव नॉट फिनिश्ड, मैंने खत्म नहीं किया है। क्या नहीं किया? अपना काम। तो अपना की इंग्लिश होगी यहां पे आई के लिए माय, और काम की वर्क। आई हैव नॉट फिनिश्ड माय वर्क। ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मेरा भाई कानपुर से नहीं आया है। तो कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा मेरा भाई, तो मेरा भाई माय ब्रदर। मेरा की इंग्लिश माय और भाई की इंग्लिश ब्रदर, माय ब्रदर। उसके बाद हैज या हैव्स। माय ब्रदर सिंगुलर है, एक की बात हुई है, तो हैज। उसके बाद नॉट। फिर आएगा वर्ब। वर्ब क्या है? काम करना। काम क्या हुआ यहां पे? आया है, आने की इंग्लिश। आने की इंग्लिश होती है कम, और कम की थर्ड फॉर्म कम। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होगी। तो माय ब्रदर हैज नॉट कम। कहां से नहीं आया? कानपुर से। फ्रॉम कानपुर। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं।
अगर मैं यहां लिख दूं, क्या तुम सो चुके हो? तो सबसे पहले रूल पर जाएंगे। रूल है हमारा हैस या हैव, वो पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर चलता है सारे टेंसेस में। सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा और हैज या हैव पहले आ जाएगा। जैसे कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर पहले और सब्जेक्ट बाद में इंटरोगेटिव में। इनडेफिनेट टेंस में डू डज पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में आ गया। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हैज या हैव पहले और फिर सब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, तभी हमें पता चलेगा उसके साथ हैज आएगा या हैव आएगा। हमारा सब्जेक्ट है क्या तुम सो चुके हो? तुम की इंग्लिश होगी यू, और यू के साथ आता है, तो हैव यू। वर्ब क्या है हमारा? सोना, सो चुके हो, सोने का काम हुआ, तो सोने की इंग्लिश स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, तो हैव यू स्लेप्ट क्वेश्चन मार्क। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है। ये इंटेरोगेटिव का रूल है, बिल्कुल रूल्स उसी अकॉर्डिंग चलते हैं। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट बाद में आता है और डू डस इज एम आर हैज या हैव ये चीजें पहले आ जाती हैं। अगर मैं यहां पे पूछ लेती क्या तुम नहीं सोए हो, अगर उससे पूछना है क्या तुम नहीं सोए हो, यहां पे क्या हुआ? इंटेरोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया, दोनों चीजें हो गई। तो हमारा क्या रूल बन जाता? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, और यहां पे लग जाता सब्जेक्ट के बाद नॉट। अब आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। तो हैव यू, अब हमारा रूल चलेगा हैव हो गया, सब्जेक्ट हमारा यू, इसके बाद आएगा नॉट, तो हैव यू नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का रूल है। एक बार रूल्स को रिवाइज करते हैं। हम इन्हीं सेंटेंसेस को दोबारा बार बार फिर से रिवाइज करेंगे। अभी हम रूल्स पे फोकस कर रहे हैं। जब ये सारे रूल्स हो जाएंगे टेंसेस के, तो हम सेंटेंसेस को दोबारा रिवाइज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या सीखा? सिंगुलर और प्लूरल के साथ कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह प्लूरल में हमने क्या सीखा? पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने प्लूरल में क्या सीखा? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने सीखा कि हैज पहले आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसी तरह से प्लूरल में भी हमने ये चीज सीखी, हैव पहले आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमने सीखा हैज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आ जाएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसी तरह से इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस
प्लस नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स।